हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज गए हैं 10 और मैं जा रहा हूँ आज अपने गांव से कानपुर। तो यहाँ पे अभी मैं रास्ते में हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग को शूट कर लिया जाए कुछ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देखेंगे तो कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, चारों तरफ हरा भरा खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं, और इस समय गर्मियों के सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से ये खाली खेत पड़े हुए, नहीं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें लगा होता। तो ज़्यादातर शहरों में ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन गांव में ये कॉमन चीज़ है कि खेती बाड़ी यहाँ पर होती, तो आप सभी को देखने को ये मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हम अपनी बाइक से हैं, और हम घर से निकल चुके हैं। घर से हमने व्लॉग को शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि घर जो है काफ़ी टूटा फूटा है, इस वजह से हम शूट नहीं करते। अगर आप लोग कभी कॉमेंट करेंगे तो हम घर का व्लॉग भी शूट करके आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहने, हेलमेट का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप दो पहिया वाहन चलाते हैं, क्योंकि काफ़ी सेफ्टी रहती है और यातायात के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और व्लॉग में आगे आगे जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी हमें, तो वो शूट करके आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज है 30 जुलाई, और जैसा कि मैंने अभी व्लॉग में बताया था कि मैं जा रहा हूं कानपुर। तो यहां पर दोस्तों ये गांव का रास्ता है, और ये गांव से ये मैं जा रहा हूं कानपुर। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो चलिए दोस्तों यहां से मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितनी तेज़ जा रहा है, मतलब गंगा जी का पानी जो है काफ़ी तीव्र गति से बह रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी तक, आप देख सकते हैं कितनी दूर तक आपको दिखाई देगा, ये जो है पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये देखिए, और इसका बहाव जो देखिए, इसकी गति कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ पानी बह रहा है। अब दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये पुल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और धीरे धीरे कानपुर की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे ही हम पहुँच जाएंगे कानपुर, तो आप सभी को आगे के व्लॉग में जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गाँव की हरियाली, देखिए रोड के चारों तरफ देखिए कितना अच्छा अच्छा हरा भरा माहौल आपको दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि अभी ये रास्ता जो है ये अब कानपुर की ओर निकल रहे हैं, तो ये रास्ता धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा सा ये है, तो आपको आगे देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है थाना महाराजपुर सीमा प्रारंभ हो जाती है, यानी कि अब यहाँ से कानपुर नगर सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो चलिए आगे का वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये थाना सीमा जो है यहाँ पर महाराजपुर पोस्ट यहाँ पर लगने लगता है। तो चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं और आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे इस तरीके से कुत्ते जो रास्ते में आ जाते हैं सड़क पर, तो आप इनसे ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि ये कुत्ते जो हैं बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है अगर आप इनसे टकरा गए। तो आपको इस बात का सेफ्टी से ध्यान देना होगा, और कुत्ते जो हैं अगर आपकी रोड पर आते हैं तो ध्यानपूर्वक आप बाइक बगल से निकालें। अब दोस्तों हम आ चुके हैं इलाहाबाद हाईवे पर, और यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी थी अभी 2 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है, तो थोड़ा मैंने सोचा गाड़ी को भी रेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर के लिए रोकी थी, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये अभी ये रोड जो जा रही है कानपुर के लिए, और उस रोड से अगर आप जाएंगे तो वो जाएगी आपको इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद जो प्रयागराज हो चुका है, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज हाईवे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बहुत जा रही हैं, अभी हम लोग रुके हुए थे इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमने अपना हेलमेट पहन लिया है, और यहाँ पर बाइक भी रेडी है, अब हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। आगे का व्लॉग जो है हम रास्ते में आपको शूट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो सीधा कानपुर पहुँच के व्लॉग को एंड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं घर, अपने कानपुर वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग बस अब यही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये व्लॉग जो है आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।